सावधान, जिले के प्राइवेट डॉक्टर 11 दिसंबर को प्रातः 6 बजे से 24 घंटे के लिए देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। आईएमए से संबद्ध इन डॉक्टरों के स्वास्थ्य सेवाओं के बहिष्कार का सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा। ऐसे में यदि आप छोटी बड़ी या गंभीर बीमारी के लिए शुक्रवार को प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाकर इलाज या परामर्श लेना चाह रहे हैं तो इसमें देरी ना करें, तत्काल डॉक्टर से संपर्क कर लें, वरना थोड़ी सी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। जिले के करीब 1 सैकड़ा डॉक्टर ही नहीं, देश के लगभग 15 लाख चिकित्सक केंद्र सरकार द्वारा चिकित्सा पद्धति में किए जा रहे फेरबदल का विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर देश भर के प्राइवेट डॉक्टरों ने 24 घंटे के लिए अपनी सेवाएं ठप रखने का ऐलान कर रखा है। इस दौरान प्राइवेट चिकित्सालयों, नर्सिंग होमों में कोविड आपातकाल व अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य मरीजों का इलाज तो दूर, परामर्श तक नहीं दिया जाएगा। बता दें, 8 दिसंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक आईएमए के सभी चिकित्सकों ने 2 घंटे का देशव्यापी सांकेतिक शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। डॉक्टरों का कहना है कि बीएमएस आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एमएस सर्जरी की डिग्री प्रदान कर उन्हें विभिन्न सर्जरी करने की अनुमति दी जाएगी, जो कहीं से उचित नहीं है। हालांकि डॉक्टरों के इस आंदोलन में दंत चिकित्सक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी चिकित्सक नहीं शामिल हैं। प्राइवेट चिकित्सालयों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले असर को लेकर ACMO डॉक्टर पीके सिंह ने कहा कि आम जन के लिए वैसे भी सरकारी अस्पतालों में सेवाएं सुलभ हैं, बंदी में जो मरीज अस्पताल आएंगे उनका इलाज किया जाएगा। कल दिनांक 11 दिसंबर 2020 प्रातः 6 बजे से 12 दिसंबर 2020 प्रातः 6 बजे तक हम सभी आईएमए के एलोपैथिक चिकित्सक देशव्यापी असहयोग आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें केवल हम आकस्मिक सेवाएं, अति आवश्यक सेवाएं एवं कोविड सेवाएं प्रदान करेंगे। बाकी सारी सेवाएं हमारी जो है उनसे हम विमुख रहेंगे और कोई भी सेवा नहीं प्रदान करेंगे। ये हमारा सरकार की जो नीति मिक्सोपैथी की आई है उसके खिलाफ एक असहयोग आंदोलन है और हम लोग इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। सरकार अगर आपकी बातें नहीं मानती तो क्या करेंगे आप? अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे की रणनीति फिर केंद्रीय नेतृत्व जैसी डिफाइन करेगा, उसके हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। अभी हमारा ये 24 घंटे का सांकेतिक आंदोलन है। आपका नाम? मैं डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी, सचिव IMA सीतापुर। देखिए, सारी चिकित्सा पद्धतियाँ अपने आप में विशिष्ट हैं और सबका जीवन धारा की तरफ अमूल्य योगदान है स्वास्थ्य के प्रति। जैसे हमारा आयुर्वेद है, हमारी होम्योपैथी है, ये सबका और इवन एलोपैथी, सबका अलग अलग स्थान है और सबका अमूल्य योगदान है मनुष्य को स्वस्थ रहने में। मगर कुछ हमारी केंद्र सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि वो इन चिकित्सा पद्धतियों का मिश्रण करना चाहते हैं कि जैसे ब्रिज कोर्स उन्होंने कुछ डिवाइस किया है कि 6 महीने के ब्रिज कोर्स से और चिकित्सा पद्धतियों वाले लोग जो हैं मॉडर्न मेडिसिन में एमलगमेट होके उसमें सर्जरी करने का प्रावधान है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल और दिक्कत वाला लगता है कि जिसको जिस सर्जरी को करने के लिए लोग 10-10 साल प्रशिक्षण लेते हैं और उसमें कार्य करते हैं, तब भी कई गलतियां हो जाती हैं अनजाने में, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसके बावजूद लोग पूरे सावधानियों से उसका नियम पालन का करके जो सीखते हैं उसके प्रशिक्षण के बाद ही काम करना करते हैं, उसको अगर सिर्फ 6 महीने के ब्रिज कोर्स में करके और उसको अलाउ कर दिया जाएगा तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो, अनुमति मिल जाएगी तो थोड़ा सा जनरल पब्लिक के लिए, जन सामान्य के लिए बड़ा कठिन हो सकता है, कई उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। देखिए, ये जो सरकार ने मिक्सोपैथी की है कि सारी पैथीज का जो खिचड़ीफिकेशन किया है, उन्होंने सब आपस में मिला दिया है कि जो बाकी MBBS करके 3 साल करके सर्जरी सीखते हैं उन्होंने का 6 महीने के ब्रिज कोर्स के बाद में है। इससे जो हमारी सबसे पुरानी पैथी जो आयुर्वेद है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। हम कहीं भी किसी भी पैथी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा कहना केवल ये है कि हर पैथी को अलग अलग रखा जाए जिससे हर किसी का इंडिविजुअलिटी बनी रहे, आपस में मिक्सचर ना हो, क्योंकि हर पैथी की अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है। अगर इस तरह से उनको भी मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करवाएंगे 6 महीने के ब्रिज कोर्स से, ना तो वो लोग उतने परफेक्शन से कर पाएंगे और दूसरा ये उनकी पैथी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगी। जो इतनी प्राचीनतम हमारी पैथी है वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल करके लुप्त हो जाए। खबर आपकी, नज़र हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।